दोस्तों नमस्कार, महत्व हिंदी कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है लक्ष्मी जी के पग। रात के 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था, परंतु बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर ही जाती है। उसके पैरों में लेदर के सूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार ने कहा, क्या सेवा करूं? लड़का ने कहा, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। इस पर दुकानदार ने कहा, वे आई हैं क्या, उनके पैर का नाप? लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैर की। वह लड़का बोला, क्या ना बताऊं साहब, मेरी माँ की ज़िंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, मेहनत कर कर के मुझे पढ़ाया, पढ़कर अब नौकरी लगी, आज पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ, तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर आऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपये कीमत थी। चलेगी क्या, आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तेरी? अभी तो 12,000, रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाएंगे यहाँ, और 3,000 माँ के लिए। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं? तो बात को बीच में ही काटते हुए लड़का बोला, नहीं कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स पैक कर दिया, लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया, यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना, और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? बोलिए, वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज दुकानदार के हाथ में देकर वह लड़का खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की दृष्टि और मन का सोच श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। जय माता दी। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।